कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकलन प्रश्न है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो। क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या है दो, है ना। जब दो पदों की संख्या होती है तो उस वक्त हम क्या करते, खंडशः समाकलन करते हैं। उसका क्या नियम है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे। U पहला, V यदि दूसरा हो, तो ऐसी कंडीशन में पहले का क्वेश्चन है दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का पुनः इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। अगला नियम क्या है, इलेट का नियम है। किसको पहला माने और किसको दूसरा माने, नियम क्या कहता है, इलेट के अनुसार आप सेलेक्ट कीजिए कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। यदि ध्यान से हम समझिए तो E मतलब इनवर्स फंक्शन, L मतलब लॉगरिथम, A मतलब एलजेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास इनवर्स फंक्शन है उसको हम पहला मानेंगे और एलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। मतलब क्या, हम इसको लिख रहे कुछ ऐसा, टेन इनवर्स x को पहला, किसको एक्स स्क्वायर को दूसरा। अब इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान से देखिए कैसा हम इसको हल करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स यथावत रहेगा, इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पुनः इंटीग्रेशन किसका सेकंड का एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो वैल्यू मिलने वाली है कुछ इस प्रकार से, टेन इनवर्स एक्स कोई चेंज नहीं, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, हम में से सब जानते इसकी वैल्यू होगी वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये हमको मिली एक्स क्यूब बाय थ्री, इसका क्या पुनः इंटीग्रेशन। आगे देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते, एक्स क्यूब बाय थ्री इसको चाहे तो हम पहले लिख ले, टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ भी क्या है वन बाय थ्री, इसको हमने पहले लिख लिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अंश की घात बड़ी है, हर की घात छोटी है, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करें, वन प्लस एक्स स्क्वायर का किसमें एक्स क्यूब किससे वन प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे। तो कितने बार, एक्स बार डिवाइड होगा, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, प्लस किस में माइनस में, ये प्लस किस में माइनस में, यहाँ क्या आ गया जीरो, यहाँ क्या आ गया माइनस एक्स, ये क्या, ये आ गया हमारे पास क्या भागफल, ये हमारे पास कहलाता क्या भागफल, और ये क्या कहलाता हमारे पास शेषफल। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, पहला तो ज्यों का त्यों, पहले में कोई परिवर्तन नहीं, एक्स क्यूब बाय थ्री। तो इसे देखिए ये क्या लिखा अपन ने, माइनस वन बाय थ्री, ठीक। फिर क्या लगाया अपन ने, बड़ा कोष्ठक लगा दिया इंटीग्रेशन, इतने बार भाग गया था मतलब एक्स डी एक्स सेपरेट हो गया माइनस, इतना शेषफल बचा था मतलब क्या एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
आगे देखिए, ओ यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स छूट गया, टेन इनवर्स एक्स। अब इस वैल्यू को क्या एक्स क्यूब बाय थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये तो यथावत रहेगा, माइनस वन बाय थ्री। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। यहाँ पर इसको हम एक बटे दो यानी दो बटे दो का हम गुणा कर ले रहे हैं, इससे इजी हो जाएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो क्या टू एक्स डी एक्स बराबर इसे डी टी हो जाएगा, तो डी टी बाई ये आ जाएगा, तो सीधे सीधे लॉग के इसमें ये चेंज हो जाएगी। तो कंडीशन देखिए क्या, एक्स क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय थ्री क्या एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस क्या वन बाय टू, और इसका जब हल देखेंगे तो क्या जाएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री का मल्टीपल हो जाएगा, और इसको हम यहाँ क्या लिख देंगे प्लस सी कांस्टेंट। एक्स क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स, इस थ्री का जब मल्टीपल होगा तो क्या होगा, यह होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होगा वन बाय सिक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर धन्यवाद।